और इस बीच एक बड़ी खबर सृष्टि को लेकर, सीहोर से जानकारी। जिंदगी की जंग आखिरकार सृष्टि हार गई। तीसरे दिन बोरवेल से सृष्टि को निकाला जरूर गया, लेकिन सृष्टि को बचाया नहीं जा सका। प्रशासनिक अधिकारी पीएम रूम में मौजूद है, बताया जा रहा है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है। जिंदगी की जंग सृष्टि हार चुकी है। लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा था, कोशिश की जा रही थी इस बच्चे को बचाया जा सके, लेकिन अंततः जिंदगी की जंग सृष्टि हार गई। अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है बच्चे को, और प्रशासनिक कमला यहां पर मौजूद है। बाहर निकलने के बाद उसे सीधे जिला अस्पताल लाया गया था, और अब आप देख सकते हैं कि जो सृष्टि का शव है वो पोस्टमार्टम के बाद वापस एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, और जो बच्ची का शव है वो अब यहाँ पर परिजनों को सौंपा जाएगा। तो आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम के बाद जो सृष्टि का शव है अब वो यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए यहाँ पर ले जाया जा रहा है, और जो शव है वो यहाँ पर अब परिवारजनों को सौंपा जाएगा। इस पूरे मामले में जो भी जिम्मेदार हैं अफसर उन पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई जरूरी है, ठोस कार्रवाई जरूरी है। और ऐसी एक अब यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन के बाद जब हम सृष्टि को बचाने में नाकामयाब रहे हैं, तो इस तरीके की सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित हो कि आने वाले समय में इस तरीके के हादसे नहीं होंगे, रुकेंगे। इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चाहे वो जिला प्रशासन की हो, अधिकारियों की हो, कर्मचारियों की हो, उस व्यक्ति की हो जिसने बहुत लापरवाह पूर्वक बोरवेल खुदवाया और उसे खुला छोड़ दिया। 300 फीट का एक गहरा अंधेरा गड्ढा जिसमें मासूम ने दम तोड़ दिया। जो मासूम को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अगर बचाया नहीं जा सका है, तो क्यों बचाया नहीं जा सका, कहां पर फेलियर रहा, इन तमाम बातों को पूरी तरह से अब खंगालने की जरूरत है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है, और सुनिश्चित ये करना होगा कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए सीहोर से वासु चौरे। ये हम सबके लिए बहुत ही दुख और संवेदना की घड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि हम परिवार के साथ सब लोग साथ खड़े रहें। बॉडी बहुत ही डिकम्पोज स्टेट में मिली है, इसलिए डिटेल जो भी है वो पोस्टमार्टम के बाद। सांस की गति रुकने के कारण मृत्यु हुई है बच्ची की। दम घुटने की स्थिति क्या है? बॉडी की स्थिति डिकम्पोज। कितने घंटे पहले हुई है, कब हुई है, क्या पता चला सर? लगभग 40 घंटे के आसपास उसके खेत में ये बोर हुआ था, उसको ढका नहीं गया था। उसके खेत के विरुद्ध हमने एफआईआर पंजीबद्ध करी है और उसको अरेस्ट किया है, और जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके बाद जो आ रहा है उसको इजाफा किया जाएगा। जशपुर की अब चर्चा